हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स जो है चीज़ बॉल। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चीज़ बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे पनीर। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर को कद्दूकस कर लिया है, इसे हम डाल देते हैं बाउल में। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। मैंने एक बड़ा आलू को उबाल के मैश कर लिया है। इसमें हम अब डालेंगे गाजर, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा गाजर लिया है मैंने। और इसके साथ ही हम डालेंगे शिमला मिर्च, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और एक मीडियम प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। मैंने यहाँ पे रेगुलर चीज़ लिया है अमूल का, लगभग 100 ग्राम, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे हम इसमें डाल देते हैं। इसके जगह पे आप मोजरेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, 5-6 काली मिर्च को मैंने कूट लिया है, 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके जगह पे आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर या चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब हम सभी चीज़ों को मैश करके इसका एक डो बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम हाथों को क्लीन करके इसका एक डो बना लेंगे। डो हमारा बनके तैयार है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हम एक प्लेट ले लेते हैं और हाथों में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं हाथों पे। और जितना बड़ा आपको चीज़ बॉल बनाना है उतना पोर्शन आप हाथों में लें और इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसका बॉल बना लें। देखिए इस तरह से सारे बॉल्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं बना के। बॉल्स को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है 4 बड़ा चम्मच मैदा। आप इसकी जगह पे कॉर्न स्टार्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल पतला हमें बैटर तैयार करना है। बैटर हमारा बन के तैयार है, बिल्कुल हमें इसी तरह का पतला बैटर चाहिए। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का ब्रेड क्रम्स लिया है। अब हम एक एक बॉल्स को इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। देखिए इसे हम इस तरह से डिप करेंगे इस घोल में, मैदे के घोल में, और इसे हम ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल हमें अच्छे से इसमें कोट करना है। इसे सारे बॉल्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं ब्रेड क्रम से कोट करके, मैदे के घोल में डिप करके। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, सारे बॉल को मैंने अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तेल हमारा गरम हो चुका है, हमें मीडियम गरम तेल चाहिए। और इसमें हम एक एक बॉल्स को डाल देते हैं, जितने बॉल्स कढ़ाई में आ जाए। और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसे हमें बहुत ही हल्के हाथों से हिलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। इसे हम फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। हमारा चीज़ बॉल बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।